ड्रामा सीरियल समझौता के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि घर का बेटा बेटा जो असद है वो पापा को कहता है कि हमसे बिजनेस नहीं संभल रहा। यूसुफ जो घर की बहुएँ हैं उनसे भी घर संभल नहीं रहा होता, पागल हो जाती हैं काम समेटते समेटते। इधर बाबा की तबीयत खराब होती है, बेटों को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, वो कब्रिस्तान में मनजा के पास चले जाते हैं, बेटे उनको घर लेकर जाते हैं, घर लाकर उनको बिठाते हैं। घर की छोटी बेटी महरीन जो है मशवरा देती है कि बाबा का निकाह कर दिया जाए, तो शान से उसके साथ बहुत ज़्यादा लड़ती है, उसे बदतमीजी करती है। तो उसका भाई कहते हैं कि कोई तरीका है मेरी बीवी से बात करने का, फिर बाद में अंदर आकर मूड बनाकर बैठ जाती है। तो उसका हस्बैंड जो है जुहेब अपनी बहन की तरफ से उसे सब माफ़ी मांगता है। घर की जो बड़ी बहू है वो अपनी बाँ से बात करती है कि महरीन ने यह मशवरा दिया है, मुझे तो सही लगता है उनकी देखभाल के लिए कोई तो होना चाहिए। जो हस्बैंड है वो भी सोचता है कि हाँ सही का बात है, बाबा की देखभाल के लिए कोई होना चाहिए। फूफो जान भी यही कहती हैं कि उनकी देखभाल के लिए होना चाहिए, जो हर वक्त उनके पास रहे, उनका ख्याल रखे। दोनों बैठ बहुएँ मिलकर भी यही सोचती हैं कि बात तो ठीक है, शादी होनी चाहिए। जिसे सुनकर वकार बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, कहता है कि मैं शादी नहीं करूँगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। वकार की तबीयत खराब होती है, वहाँ पर महरीन को चक्कर आते हैं, तो शांति महरीन को पकड़ कर कमरे में लेकर जाती है। और जो घर की बड़ी बहू है उसने वकार के लिए परहेजी खाना बनाया होता है, जो कि बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। बस उसमें वो हल्का मिर्च रखती है, नमक रखती है, कि उनकी तबीयत खराब नहीं होती। तो वकार कहता है तुम लोगों ने मनाजा से कुछ भी नहीं सीखा, जिसे सुनकर शाहजे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मैंने इतनी गर्मी में खाना बनाया, उन्होंने ये किया। फिर महरीन को जुहेब हॉस्पिटल में लेके जाता है, तो डॉक्टर कहती है कि ये प्रेगनेंट है, जिससे सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो वकार कहता है कि अगर मनाजा होती तो कितनी खुशी होती। तो घर वाले कहते हैं कि आपको खुशी नहीं है, आप हमारी खुशी में शामिल हों। कहता है कि नहीं, मैंने ये मेरा मतलब ये नहीं था, मैं आता हूँ। सबका दिल ही दुखता है और जाने लगते हैं, तो सब कहते हैं नहीं कोई बात नहीं है, यहाँ पर बैठे। फिर बाद में सुहेब जो है अपनी बीवी की बर्थडे मनाता है, उसकी हर बर्थडे सेलिब्रेट करता है, उसे गिफ्ट देता है। महरीन बहुत ज़्यादा खुश होती है। और फिर जो पप्पू हैं वो अपने भाई को कहती हैं कि दफ्तर पर जाओ। फिर वकार जो है ऑफिस में आता है, ऑफिस के लोग उनकी देखभाल भी करते हैं और उनको खुशामदीद करते हैं।